दोस्तों एशिया के सबसे बड़े ट्रक हॉल्ट पॉइंट पर ये अकेली महिला करती है ट्रकों की रिपेयरिंग। इस महिला की ऐसी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। शांति देवी 20 वर्षों से ट्रक रिपेयरिंग का काम कर रही हैं। ट्रक के पहिए खोलने और उनके नट बोल्ट कसने आदि के लिए शारीरिक ताकत की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इस पेशे को पुरुषों के अनुकूल माना जाता है। फिर शांति देवी ने इस पेशे में कैसे कदम रखा, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। शांति देवी मध्य प्रदेश की रहने वाली है और 20 साल पहले उनका परिवार रोजगार की तलाश में दिल्ली आ गया। उनके पति ट्रक के पहियों का पंचर बनाते थे और शांति चाय की दुकान संभालती थी। उन्होंने धीरे धीरे पति के काम में भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। आज हालत यह है कि शांति देवी रोजाना 12 घंटे काम करती हैं। ट्रक के पहियों का पंचर बनाने से लेकर उसकी रिपेयरिंग करने का काम वो किसी पुराने मैकेनिक की तरह ही बेहतरीन तरीके से करती हैं। यही कारण है कि ट्रांसपोर्ट नगर के कई ट्रांसपोर्टर्स अपने वाहन की रिपेयरिंग के लिए शांति देवी को चुनते हैं। उम्र शांति देवी के लिए कोई बाधा नहीं है। अक्सर अपना ट्रक रिपेयर कराने शांति की दुकान पर आने वाले मोहन सिंह कहते हैं कि उन्हें काम करते हुए देखो तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई महिला काम कर रही है। शांति अकेले 5 मर्दों के बराबर है। दिल्ली का संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर एशिया का सबसे बड़ा ट्रक हॉल्ट पॉइंट है। ट्रांसपोर्ट नगर के W7 लेन में सड़क के किनारे शांति देवी और उनके पति राम बहादुर की चाय और ट्रक रिपेयरिंग की छोटी सी दुकान है। शांति कहती है कि अक्सर यहां आने वाले पुरुष उन्हें देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन अब उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं होती है क्योंकि वो मानती हैं कि अपने काम से मैंने ये साबित कर दिया है कि मैं कई पुरुष मैकेनिक से ज्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ और औरत कोई भी काम कर सकती है, बस उसे करने की लगन होनी चाहिए। शांति देवी का एक बेटा मीट शॉप चलाता है और दूसरा बेटा सवारी गाड़ी चलाकर परिवार चलाने में उनकी मदद करता है। शांति देवी अपनी 2 बेटियों की शादी भी कर चुकी है। ऐसे मेहनती महिला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए और हमारे इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।